समाजवादी पार्टी को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने 18 रत्नों पर भरोसा जताया है। पार्टी के सदस्यता अभियान को ये रत्न गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास शुरू किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इसके लिए जो टीम तैयार की है उसमें आश्चर्यजनक रूप से पार्टी की टॉप लीडरशिप में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान को गतिशील बनाने और कार्यों की समीक्षा के लिए 18 नेताओं को नामित किया गया है। माना जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के सबसे पसंदीदा नेता हैं जिन पर उन्होंने भरोसा जताया है। पार्टी नेताओं के जरिए जनता के बीच अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है। वहीं अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव 2022 से पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी में आए थे। हालांकि यूपी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो सके। इसके अलावा पिछले दिनों हुए विधान परिषद चुनाव में उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। विधान पार्षद बनने के बाद अब अखिलेश ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग में अपने संगठन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर पर दूसरे नंबर पर उनको शामिल किए जाने को लेकर इसी प्रकार की चर्चा चल रही है। सदस्यता अभियान को गतिशील बनाने के लिए गठित नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य MLC और इसके बाद इंद्रजीत सरोज विधायक हैं, राम अचल राजभर विधायक हैं, नरेंद्र वर्मा पूर्व मंत्री, महबूब अली विधायक, दयाराम पाल पूर्व मंत्री, किरण पाल कश्यप पूर्व मंत्री, अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री, अरविंद कुमार सिंह पूर्व MLC, संजय लाठर पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, शशांक यादव पूर्व MLC, मिठाई लाल भारती पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी, रामा अस्तरे विश्वकर्मा पूर्व मंत्री हैं, राजेश कुशवाहा पूर्व जिलाध्यक्ष गाजीपुर, KK श्रीवास्तव सपा 19 विक्रमादित्य मार्ग, डॉक्टर हरिश्चंद्र सपा 19 विक्रमादित्य मार्ग, प्रोफेसर बी पांडे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा शिक्षक प्रकोष्ठ। ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, दरअसल अखिलेश यादव ने इनको पार्टी की सदस्यता अभियान को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल इस बार अखिलेश यादव को ये लगता है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर जोड़ा जाना बहुत जरूरी है, जो कि उनके पिताजी किया करते थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जब बैठक हुई थी तो कई विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत अखिलेश यादव से की थी कि हमारे पार्टी के जो बड़े कद के नेता होते हैं वो हमारे छोटे स्तर के, यानी कि जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। ऐसे में आम जनमानस क्या सोच रहा है, आम जनता किस मिजाज पर बात कर रही है, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। दरअसल ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी अखिलेश यादव के द्वारा जब यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली थी। इसीलिए अखिलेश यादव ने चुन चुनकर उन नेताओं को अपने इस पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ दिया है जो या तो जमीनी स्तर के हैं या जिनका जातीय समीकरण यूपी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अखिलेश यादव इस बात पर फोकस करेंगे कि इस बार हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। पहले मुस्लिम यादव की फैक्टर वाली पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी सवर्णों से लेकर के दलितों तक हर वर्ग को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण से अखिलेश यादव ने यह कदम उठाया है। यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि जिस मंशे के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विस्तार की बात कर रहे हैं या उसके लिए रणनीति बनाए हैं, उसमें सफलता कितनी मिलती है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास चुनौतियाँ अभी कई सारी हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को अपना पूरा जनाधार अगर पाने के लिए कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अखिलेश यादव वो भी करेंगे। इस बात का संकेत अखिलेश यादव ने कई बार अपनी बातों में कहा है, इसलिए इस बात को माना जा सकता है कि अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव का व्यक्तिगत तौर पर भी ये मानना रहा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने एजेंडे के साथ आम जनता से जुड़ने में असफल रही है। शायद यही कारण था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपने वोट प्रतिशत के लिहाज से थोड़ी सी मात खा गई और वोटों के प्रतिशत के गिरने के साथ उसकी सीटें भी कम आई और वो यूपी की सत्ता से दूर हो गई। हालांकि कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी प्रमुखता के साथ काम किया था, लेकिन जनता से सीधा जुड़ा न होने के नाते से समाजवादी पार्टी को मात खानी पड़ी थी। यही कारण है कि कई नेताओं को उन्होंने एकदम साइड करते हुए एक बार फिर से नई स्थिति, नई व्यवस्था के साथ
अपने नेताओं को सदस्यता अभियान के साथ जोड़ दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव इस पर कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।